भी है। अच्छा तुम इसी तरह से मेरी बेटी को तोहफे देते रहोगे ना? वो क्या है ना अंकल, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ, अगर आप हाँ कह दें तो। तुम्हारी सदा पर स्वाति तो क्या, मैं भी हाँ करने को तैयार हूँ। ये क्या बक रहे हो पापा? ए, चुप रहो तुम, हीरे की परख। तुम क्या जानो ये मेरे जैसा जौहरी समझता है? बेटा वो कुर्सी अब तक तुम्हारे लिए ही खाली थी। थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे। ये सब नाटक बंद करो समझे? मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरे प्यार पे आपको शक है तो गाड़ी की चाबी दे दो। दिव्या ये लड़का इतनी शराफत से पेश आ रहा है और तुम इसे नाटक कह रही हो? जाने दे बेटा, ये लड़की पहले से ही नच चढ़ी है। इट्स ओके अंकल। बेटा तो अब हम बेडरूम में चलें। पापा तो मैं कहाँ जाऊँ? चिल्लाओ मत, कोई मेहमान हमारे घर में पहली बार आया है तो क्या मैं उसे अपना घर भी ना दिखाऊँ? आओ बेटा चलते हैं। मुझे जरूरी काम याद आ गया, चलता हूँ। जी सुनते हो वो आ गए हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कार्तिक आया है। कार्तिक, अरे तू ऐसा बोलो ना। हाँ, 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 हाँ। अंकल आपकी अनुमति हो तो इसे बाहर घुमा लो। मुझे भूल गए इसके आगे। चुप रहो, पूछ रहा था कि इसे घुमाने का प्रोग्राम कितने दिनों का है, हमेशा चिल्लाती रहती हूँ। बस कुछ देर के। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, आज तो ग्रीन आर्मी को शास्त्री नगर में पेड़ लगाने जाना है, तुम भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ये गई तो ये भी पेड़ बन जाएगी। थैंक्स अंकल, एक आप ही है जो मेरी भावनाओं को समझते हैं। वो क्या है, पहली बार मेरी बेटी ने मोटी मुर्गी को फंसाया है। मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ। क्या कितनी बकवास बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं इसे घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। बेटी तू जा तैयार होकर। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, हम आज बहुत एंजॉय करेंगे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें जलन हो रही है? कान खोल कर सुन लो, वो कहीं नहीं जाएगी। दिव्या तुम बार बार इस पर डोरे क्यों डाल रही हो? इस दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? कैसी लग रही हूँ? अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है। बाय। अब तुम जाके पेड़ लगाओ। अरे वाह कार्तिक आ गया, देखते हैं हमारे लिए गाड़ी में और भी तोहफे हैं। I love you। रोज तोहफे लाया करो, देखते हैं इसमें क्या है। चलो। हेलो भैया, हम सब जगह देख चुके हैं लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं चला। कहाँ गायब हो सकती है वो? नहीं मिली का क्या मतलब है, जमीन खा गई आसमान निकल गया। जब तक दिव्या ना मिले उसे ढूंढते रहो, मौत बनकर उसका पीछा करो। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। कार्तिक धोखेबाज है, मक्कार है, यही ना? नहीं अंकल वो बात नहीं है, जहाँ उसकी परवरिश हुई है उस बारे में। तो बताओ ना। वो विदेश में पला बड़ा है, वहाँ प्यार टाइम पास के लिए करते हैं, तो उसके साथ स्वाति की शादी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अब तो ये शादी हो कर रहेगी। स्वाति। हेलो अंकल। नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ये कॉस्ट्यूम है मेरा मैनेजर। अरे दिखता तो ये बंदर जैसे है, तुमने इसे मैनेजर बनाया है? लॉल खुद की कर रहे हैं लेकिन बंदर मुझे कह रहे हैं। मैं अगर काम में बिजी रहा तो मेरे बदले ये आएगा, सोचा आपसे मिलवा दूं, अच्छा आदमी है। ये बंदा पक्का कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। हाय बेबी कम हाय। मैं अभी दूर। सुनो कार्तिक बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को हमसे मिलवा दो। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है ना उनसे। शादी? यस। तो ये आग इसने लगाई है? इस बात से तुम चौंक गए ये समझ में आया, पर ये बंदर क्यों चल रहा है? कार्तिक बेटा मैं चाहता हूँ कि स्वाति से शादी करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हे भगवान। तुम चुप रहो, विदेश में झाड़ू पोछा करने वाले को भी अच्छी पगार मिलती है, फिर दुख भरे दिन बीतेंगे अच्छे दिन आएंगे। कार्तिक बेटा शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए। नहीं हो सकती। अबे तू इतनी खोखो क्यों कर रहा है? देखो दिव्या तुम सच नहीं जानती हो। एक मिनट सर, बॉस यहाँ पर स्वाति का हाथ मांगने नहीं आए हैं, कान खोल कर सुन लीजिए, बॉस स्वाति से नहीं दिव्या से प्यार करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई क्या है तुम बताओ। सच की धारा बह गई सर। अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ अंकल ये सही कह रहा है, मुझे प्यार स्वाति से नहीं दिव्या से। What? आए, जाओ उसे क्या? हट जाओ, तुम स्वाति की दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन हो दिव्या, तुमने छुरा घोपा है। अंकल छुरा मैंने नहीं इसने घोपा है। सॉरी अंकल, सोचा प्यार का नाटक करूंगा तो इसे जलन होगी, पर यहाँ मामला उल्टा ही हो गया। अच्छा बेटा तुम्हारे दिए हुए तोहफे वापस करने होंगे। नहीं आप रख लीजिए। दिव्या सुनो बेटी, दिल छोटा ना करो, कोई दूसरा बकरा फंसाओ जो हमें बंगला तोहफे में दे सके। दिव्या रुको, छोड़ो मुझे। देखो दिव्या मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। दिव्या जिस तरह तुम इन पेड़ पौधों और कुदरत से प्यार करती हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री छोड़ दी, अब तुम मुझे मत छोड़ के जाना। ये फिल्मों वाले डायलॉग कहीं और जाकर मारो मिस्टर, मैं नहीं फंसने वाली, अपनी एक गंदी शक्ल लेके निकलो।
मैं जानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह आसानी से नहीं पटोगी, पर जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दिव्या, दिव्या सुनो। भैया दिव्या का पता चल गया। ये तुम्हारे लिए। जितने प्यार से इनसे बात करती हो कभी मुझसे भी कर लिया करो। इमली की तरह थोड़ी खट्टी है सर, आम की तरह थोड़ी मीठी बनो ना। लगी क्या? आप रिस्क मत लीजिए। सुनो दिव्या, ये हरी भरी जवानी हरियाली पर क्यों लुटा रही हो? अरे पेड़ तो अपने आप बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे शादी करने के बाद आपका परिवार बढ़ेगा, तो ये रिश्ता पक्का। मुझसे उलझकर अपनी फैक्ट्री तो बंद करवा चुके हो, दोबारा पंगा लिया तो ऐसी हालत करूंगी कि आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, समझे? अरे बाप रे, क्या धमकी दी है, मुझे तो डर लग रहा है। बदतमीज। अरे दिव्या मेरी बात। सर उसे जाने दीजिए सर, वो आपके प्यार के घास पर ट्रैक्टर चलाकर चली गई। क्या लगा था शहर आ जाएगी तो हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, अब बच के कहाँ जाएंगे? चल गाड़ी में बैठ, चल। छोड़ो मुझे। चिल्लाना बंद कर, चुप कर। चल गाड़ी भगा जल्दी। कौन है बे तू? अबे सुन, अगर तू एक शेर है और वो लड़की तेरा शिकार है तो पता है मैं कौन हूँ? शिकारी हूँ। देख उस लड़की को भूल जा, आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जा। सुन बे, तू जानता है हम कौन है? हमारी पहुँच नहीं जानता है क्या? मेरा घूसा खाने से पहले सब लोग यही डायलॉग बोलते हैं, जितना वक्त ये फालतू बकवास करने में जाया किया उतने वक्त में मैं तुझे दो बार मारता। बहुत गर्मी है ना तुझमें, अब भी तेरी हेकड़ी उतारता हूँ, देखते हैं कितनी देर टिकता है। मारो इसे। तो आ ना। देवा का छोटा भाई यहाँ भी पहुँच गया, मार देते उसे। अभी नहीं। और वो कौन है? दिव्या का दोस्त होगा। सिर्फ दोस्त होता तो अपनी जान खतरे में नहीं डालता, वो जरूर मदद के लिए पुलिस को फोन करता, ये जरूर दिव्या पर अपनी जान लुटाता है। यही है वो लड़का जो हमारी दिव्या का जीवन साथी बनेगा। पापा आप क्या? चलो। मैं नहीं जाऊंगी। एक शब्द नहीं, चलो। सर ये लड़की मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, फैक्ट्री के आड़ में कुछ और ही हो रहा है सर। मैं इंडिया फैक्ट्री के लिए नहीं आया हूँ, दिव्या के लिए आया हूँ। क्या? दिव्या के नाम पे अपनी फैक्ट्री पर केस करवाने वाला मैं हूँ, उसके पापा को फोन करके यहाँ बुलाने वाला भी मैं ही हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत दिव्या से ही होती है और मेरी कहानी का अंत भी दिव्या से ही होगा।
दिव्या चलो आओ। चुप कर, तेरी नाक के नीचे से ये भाग गई, क्या खाक देखभाल करेगा तू इसकी? ये तू बोल रहा है? अपनी गर्भवती पत्नी को निकालने की दरिंदगी की है तूने। तुझे इसे बेटी कहने का हक नहीं है, चल जा। बस कीजिए पापा, और आप भी मामा जी, यही वजह थी मेरे भागने की। अगर दोबारा आप लोग लड़े तो इस बार मैं भागूंगी नहीं, सीधा जान दे दूंगी। ये तो कैसी बातें? वो कौन था जिसने दिव्या की जान बचाई? पता नहीं कौन था, पर उस लड़के ने छोटे मालिक की हड्डी पसली एक कर दी। तुम लोग देखते रहे, उससे पंगा लिया तो वो आपको नारियल की तरह छील के पी जाएगा भैया। ए, वो लड़का कौन है, कहां से आया है, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। इसका मतलब है कि आप विदेश से अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं, उस लड़की के लिए आए? ये क्या राज है? इस कहानी की शुरुआत मेरी माँ से होती है। मुझे लगा मेरी सगाई से मेरी माँ को खुशी होगी, लेकिन मेरी सगाई के बाद पता चला कि वो बहुत दुखी है। देखा माँ, हरा दिया ना आपको, मैंने ऐसा गेम खेला कि आप चारों खाने चित हो गई। मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे, सोचा था अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी, सोचा मेरी गलती तुम सुधार लोगे। अब क्या कह रही है, हुआ क्या है? मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, और वो ये कि मैं अनाथ हूँ। 6 साल की थी तभी माता पिता गुजर गए, बापू ने ही मुझे पाला पोसा है, उनके परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया। बेटा, ये सालों पुरानी बात है, मेरे और बापू के पिता अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजरने के बाद बापू और उनके भाइयों ने मेरा ख्याल रखा। बापू के एक बचपन के दोस्त थे, उनका नाम था बल्ली ठाकुर। बल्ली ठाकुर की 4 बहनें थी, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी शादी बल्ली ठाकुर से तय हुई, और उनकी बहनों की शादी बापू और उनके भाइयों से तय हुई। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही बल्ली के साथ मेरी शादी होने वाली थी। इस बीच बापू और उनके भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो गया था। मुझ में हिम्मत नहीं थी बापू को ये सच बताने की, इसलिए मैंने बल्ली को सब बता दिया। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकता। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे न्योते पड़ चुके हैं, तुम इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बहनें और हम सब कितने खुश थे। कुंडली के मुताबिक हमारी शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हुई तो उसकी बदनामी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता, माफ कीजिए।